नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। तो आज की वीडियो में हम गूगल के इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। गूगल का इतिहास। गूगल एक ऐसा नाम है जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया है, और गूगल ने हर समस्या का हल निकालने में इतनी मदद की है कि अब गूगल यानी इंटरनेट और इंटरनेट यानी गूगल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल असल में क्या है और इसे कैसे बनाया गया है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो क्यों ना आज हम यही जान ले। तो चलिए आज गूगल के इतिहास के बारे में जानना शुरू करते हैं। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो हर तरह के सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। इसकी बढ़िया सर्विस के कारण यह इतना पॉपुलर हो गया है। गूगल की खोज से पहले इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना इतना आसान नहीं हुआ करता था जितना कि आज होता है। असल में गूगल एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंटरनेट से जुड़ी सर्विस और प्रोडक्ट्स लोगों को सेवा के रूप में प्रदान करती है। ये कंपनी सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी जैसी कई सर्विसेज देती है। गूगल एडवर्ड से प्रॉफिट कमाता है, जो इसका एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने जनवरी 1996 में की थी। इन्हें गूगल गाइज के नाम से भी जाना गया है। इन दोनों PhD स्टूडेंट्स को इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने में बहुत घंटे लगते थे और उसके बाद भी सही और यूजफुल जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने सर्च इंजन की खोज कर डाली। इन दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी रिसर्च में गूगल को सर्च इंजन नाम दिया है और बाद में इस सर्च इंजन को गूगल नाम मिला। गूगल अंग्रेजी के शब्द गूगल से बना है, जिसका अर्थ होता है वो नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो। ये नाम बताता है कि कंपनी का सर्च इंजन लोगों के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध कराने में कार्यरत है। शुरुआती दिनों में गूगल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अधीन google.stanford.edu नामक डोमेन में चला, और गूगल के लिए इसका डोमेन नेम 15 सितंबर 1997 को रजिस्टर हुआ। शुरू में गूगल इतना पॉपुलर नहीं हो सका और दोनों स्टूडेंट्स ने इसे एक्साइट कंपनी को बेचना चाहा, लेकिन उस कंपनी को ये ऑफर पसंद नहीं आया। जब बहुत सी कंपनियों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, तब ये प्रोजेक्ट एंडी बेचटॉल शीम नामक इन्वेस्टर को पसंद आया और उसमें इसने इन्वेस्ट किया। उसके बाद कुछ और इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट को मिले और 4 सितंबर 1998 को गूगल को एक कंपनी में स्थापित किया गया। गूगल का पहला सार्वजनिक कार्य 19 अगस्त 2004 से शुरू हुआ, और इसी दिन लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अगले 20 सालों तक गूगल में एक साथ काम करने की सहमति भी दी। साल 2006 से इस कंपनी का मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। गूगल की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती ही गई और आज इंटरनेट और गूगल एक दूसरे के पर्याय समझे जाते हैं। दोस्तों, हर सर्विस को लोकप्रिय होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर सर्विस लोगों की जरूरत और सहूलियत के बारे में सोचकर दी जाए तो बहुत जल्द ही प्रसिद्धि हो जाती है, जैसे गूगल के साथ हुआ। आइए दोस्तों, अब जानते हैं गूगल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। शुरुआत में गूगल के संस्थापक को HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं आती थी, इसी कारण गूगल का होम पेज काफी सादा हुआ करता था। पहले गूगल पर सबमिट बटन भी नहीं हुआ करता था। कोई भी सर्च करने के पहले इसे एंटर बटन दबाकर ही सर्च करना होता था। पहले गूगल का नाम गूगल ही रखा गया था, लेकिन स्पेलिंग में गलती होने के कारण इसका नाम गूगल हो गया। गूगल सर्च पेज लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 1996 में बनाया था। ये दोनों स्टैनफोर्ड महाविद्यालय कैलिफोर्निया में पढ़ते थे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि गूगल पर प्रति सेकंड करीब 60,000 सर्च किए जाते हैं?
गूगल ने 2005 में एंड्रॉइड को खरीद लिया और आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिवाइस एंड्रॉइड ही है। गूगल पर सर्च करने के लिए यूजर्स को कोई पैसा नहीं देना होता है। ऐसे में गूगल की सबसे बड़ी कमाई एडसेंस से होती है और गूगल करीब 90% कमाई एडसेंस से करता है। गूगल प्रति सेकंड करीब 50,000 रुपए की कमाई करता है। गूगल ने 2006 में YouTube को खरीदा था और आज YouTube पर प्रति मिनट 60 घंटे तक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। गूगल को जीमेल का आइडिया राजन सेठ नामक एक व्यक्ति से मिला था जो गूगल में इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जीमेल की शुरुआत अप्रैल फूल के दिन यानी 1 अप्रैल को हुई थी। साल 2010 के बाद गूगल ने हर सप्ताह कोई ना कोई कंपनी खरीदी है। साल 2010 के बाद गूगल ने हर सप्ताह में कोई ना कोई कंपनी खरीदी है। 2000 में गूगल ने एडवर्ड बनाया। यहाँ पर कोई भी अपने व्यापार के लिए एड्स दे सकता है और अपने व्यापार का ऑनलाइन प्रमोशन कर सकता है। दोस्तों, ये वाला तथ्य बड़ा ही अजब गजब है। आपको सुनकर बड़ी ही हैरानी होगी। क्या आप जानते हैं कि गूगल अपने हेडक्वार्टर की घास काटने के लिए कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो एक कंपनी से 200 बकरियां उधार लेती है जो उस घास को खा लेती है। आज सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर क्रोम भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, जिसे गूगल ने 2 सितंबर 2008 को लॉन्च किया था। करीब 1,00,000 से भी ज्यादा लोग हर महीने गूगल में जॉब के लिए आवेदन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो गूगल के इतिहास के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।